बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड इन द अमान ऑफ अल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 18। एज यू नो, प्रीवियस डेज वी लर्न द लेटर ए बी सी डी, फोर लेटर्स। वी लर्न फोर लेटर ए बी सी डी। Today we have letter D. Today we have letter D. We write all the capital letters on upper three lines, 1, 2, 3, and small e. We write small e on middle two lines. Small e, make a C. Then E, E for elephant. E for elephant. Trace the E like this, and we write the small e on middle two lines. On middle two lines. Okay students, now come to the next page, page number 19. Color the object that begin with letter E. आपने उस ऑब्जेक्ट को कलर करना है जो लेटर ई से स्टार्ट होता है। E for elephant, E for egg, E for eggplant. Color the three pictures, E for elephant, E for egg, E for eggplant. I repeat it, E for elephant, E for egg, E for eggplant. E for elephant, E for egg, E for eggplant. Okay students, again now open your book page number 20. E for elephant, E for eggplant, E for eagle. E for elephant, make a C and then like this. E for eggplant, E for eagle, E for eagle. E for elephant, E for eggplant, E for eagle. Okay, now come to the next page, page number 109. Open your English book, page number 109. As you know, we are learning the letter E. Now we have the capital letter E. We write capital letter on upper three lines. We write capital letter E on upper three lines. E for elephant. How we write letter E? 1, 2, 3. 1, straight, straight, and straight. This is letter E. And how we write small letter? Make a C and like this. This is letter E. Again, up to down, straight, straight, straight. Make a C and move. This is letter E. Class, now open your Urdu book. Book page number 13. रीड द स्टेटमेंट। तस्वीर का पहला हरफ लिखें। राइट हेयर द अल्फ़ाबेट्स विच आर द बिगनिंग साउंड ऑफ दीज पिक्चर्स। आपने वो अल्फाज लिखने हैं जिनसे ये पिक्चर्स बनती हैं। ऊंट, अलिफ से ऊंट, अलिफ से ऊंट। बतख, बे से बतख, अलिफ से ऊंट, बे से बतख। पत्ता, पे से पत्ता। टू डाउन, स्ट्रेट एंड अप, पे से पत्ता। आरी, अलिफ मद्दा से आरी, अलिफ मद्दा से आरी। नेक्स्ट इज अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे। राइट विद मी स्टूडेंट्स। अलिफ, अगेन मेक अलिफ, अप टू डाउन, स्ट्रेट डाउन। अलिफ मद्दा, बे, अप टू डाउन, स्ट्रेट एंड अप। बे, पे, अप टू डाउन, स्ट्रेट एंड अप, पे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे। ओके क्लास, नाउ ओपन योर असेसमेंट शीट नंबर 8। उर्दू असेसमेंट शीट नंबर 8। नाउ ओपन योर उर्दू असेसमेंट शीट नंबर 8। पे की लिखाई करें। हाउ वी राइट द लेटर पे? अप टू डाउन, स्ट्रेट एंड अप। दिस इज़ लेटर पे। नेक्स्ट इज पे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं और रंग भरें। आपने उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो पे से शुरू होती हैं, फिर उनमें कलर करना है। पे से पत्ता, सर्कल। पे से पतंग, सर्कल द पतंग। पे से पेंसिल, पे से पत्ता, पे से पेंसिल, पे से पतंग। पे से पत्ता, पे से पेंसिल, पे से
पता. नाउ कम टू द नेक्स्ट असेसमेंट शीट नंबर 9. अगेन वी हैव द लेटर पे. अगेन वी हैव द लेटर पे. अप टू डाउन स्ट्रेट एंड अप एंड थ्री डॉट्स. अब नीचे है स्टेटमेंट, पे के गिर दायरा लगाएं. फाइंड द पे एंड सर्कल द पे. पे पे हैज़ अ थ्री डॉट. ओके पे एंड अगेन पे. कम टू द नेक्स्ट असेसमेंट शीट, शीट नंबर 10. हरूफ से तस्वीर मिलाएं और रंग भरें. अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से आम, बे से बिल्ली, पे से पेंसिल. अगेन अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से आम, बे से बिल्ली, पे से पेंसिल. अगेन अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से आम, बे से बिल्ली, पे से पेंसिल. नेक्स्ट है तस्वीर का पहला हरफ लिखें. आलू, अलिफ मद्दा से आलू. राइट हेयर अलिफ मद्दा. टू डाउन स्ट्रेट एंड डाउन. पतंग, पे से पतंग. अप टू डाउन स्ट्रेट एंड अप, पे से पतंग. नेक्स्ट इज अंडा, अलिफ से अंडा. अलिफ से अंडा. नेक्स्ट इज बल्ला, बे से बल्ला. बे से बल्ला. बे अप टू डाउन स्ट्रेट एंड अप, बे से बल्ला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 2020. एज यू नो वी लर्न द काउंटिंग नंबर 1 to 8. काउंटिंग नंबर 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टुडे वी हैव नंबर 9. टुडे वी हैव नंबर 9. हाउ वी राइट नंबर 9? अप टू डाउन मेक अ 1 एंड देन राउंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. काउंट दीज पेंसिल्स. हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाउ मैनी पेंसिल्स? 9. अगेन राइट हेयर 9. अप टू डाउन एंड राउंड. नेक्स्ट टुडे वी आर लर्निंग अबाउट नंबर 9. देन सर्कल द नंबर 9. सर्कल द नंबर 9. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21. काउंट दीज पिक्चर एंड मैच द नंबर 9 एंड देन कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस द नंबर 9. काउंट दीज अरेजर्स. हाउ मैनी अरेजर्स? 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज रॉन्ग. काउंट दीज ट्रीज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दीज आर 8. काउंट दीज सर्स. हाउ मैनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मैच द नंबर 9 विथ सॉक्स एंड देन कलर दीज. नेक्स्ट इज सॉक्स. हाउ मैनी सॉक्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दीज आर ऑल्सो 9. मैच द नंबर 9 विद द सॉक्स एंड विद द सॉक्स. देन कलर दीज थिंग्स. ओके नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ वी राइट नंबर 9. हाउ वी राइट? अप टू डाउन एंड राउंड. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is number 9. Today we learn about number 9. Okay class, now open your social science assessment sheet number 15. Mention here name, date, class and section. As you know, we are learning these days healthy habits. Healthy habits which make us healthy. First of all, क्या करना आपने? Order the picture. आपने order देना. The boy is taking shower, shampoo, drying his body and ready for shower. First, सबसे पहले हम क्या करते हैं? Ready for shower. सबसे पहले क्या होता है? Ready for shower. Right here number 1. उसके बाद हम क्या करते हैं? Dry our body? No. Under shower? No. Shampoo hairs. Shampooing hairs. We shampoo our hairs. Next is number 2. Right here number 2. 1, 2. Third is under shower. सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेडी होते हैं शावर के लिए. फिर हम अपने बालों को धोते हैं. उसके बाद हम पूरे जिस्म को धोते हैं. अंडर शावर शावर लेते हैं उसके बाद. ठीक है. हाँ राइट हेयर नंबर 3. नेक्स्ट इज ड्राइंग बॉडी विद अ टॉवल. लास्ट पे हम क्या करते हैं? हम बॉडी को ड्राई करते हैं टॉवल के साथ. नंबर 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2, 3, 4. Okay class, now open your assessment sheet number 16. Now open your assessment sheet number 16. Again we have healthy and unhealthy food. टेक द हेल्दी फूड एंड कॉज द अनहेल्दी फूड. आपने क्या करना है, जो फूड हेल्दी है आपने उसको टेक करना है और अनहेल्दी को आपने क्रॉस करना है. चिकन इज हेल्दी फूड, देन टेक इट. ओके, नेक्स्ट इज नूडल्स, अनहेल्दी फूड, क्रॉस इट. नेक्स्ट इज चिप्स, फिंगर चिप्स, इज इट हेल्दी और अनहेल्दी. फ्राइड चिप्स अनहेल्दी, क्रॉस इट. Next is bread. Bread is also unhealthy food. Next is vegetables. Vegetables are healthy foods. Egg is also healthy. Tick the fish. Fish is also healthy. And salad. Salad is also healthy. आपने क्या करना है, जो healthy foods हैं आपने उसको tick करना है और जो unhealthy food हैं उनको आपने cross करना है. और ये जितनी भी junk food होती हैं जो हम बाहर से खाते हैं, बेकरी से, और जो हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ये सब अनहेल्दी होती हैं. कम टू द नेक्स्ट असेसमेंट शीट नंबर 17. हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, सर्कल हेल्दी फूड एंड ड्रिंक्स, राइट देम बिलो. आपने क्या करना है, जो हेल्दी फ्रूट्स और ड्रिंक है आपने उसको क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, वी हैव बनाना, सर्कल इट बिकॉज इट इज़ हेल्दी. सोडा unhealthy, bread unhealthy, oatmeal healthy, circle it. Next is cheeseburger, unhealthy. Jelly, this is the wrong spellings, right here double L. Okay, jelly is unhealthy. Also water is healthy, circle the water. Fish is also healthy food, circle it. Sugary cereal is also healthy, also circle the cereal. Grilled chicken also healthy, circle it. Okay, जो healthy हैं आपने उनको circle करना है. ठीक है, banana healthy है, oatmeal healthy है, next water healthy है, fish healthy है, sugary cereal, grilled chicken, ये सारी चीज़ें healthy हैं, आपने इनको circle करना. Come to the next assessment sheet number 18. अगेन हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, सर्कल हेल्दी फूड एंड क्रॉस द अनहेल्दी फूड. चिकन इज हेल्दी फूड, सर्कल इट. ओके, आइसक्रीम इज अनहेल्दी, देन क्रॉस इट लाइक दिस, सर्कल एंड क्रॉस. कैरेट इज ऑल्सो हेल्दी, सर्कल द कैरेट. ब्रेड इज अनहेल्दी, क्रॉस इट. बर्गर ऑल्सो अनहेल्दी, क्रॉस इट. नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी इज हेल्दी, सर्कल इट. Next is watermelon, circle it. Next is salad, circle it because salad is also healthy, and milk is also healthy. Circle the healthy food and cross the chicken, watermelon, strawberry, salad, milk and carrot are also healthy foods, and ice cream, burger, cross and bread, these are unhealthy, cross the these. Okay students, always avoid unhealthy foods because unhealthy foods not well for us and healthy foods make us well.